हेलो गाइज, कैसे हो सारे। मुझे गाइज फाइनली रिसीव हो चुका है मेरा फैमपे कार्ड और आज हम करने वाले हैं उसी फैमपे कार्ड का अनबॉक्सिंग। गाइज मतलब मुझे तो मिला इनवेलप पैकिंग। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे मिलेगा अच्छा वाला पैकिंग जिसमें स्टिकर्स वगैरह भी होता है। शायद फैमपे का कुछ इस तरह का क्राइटेरिया है कि जिन्होंने पहले कार्ड ऑर्डर किया था, लाइक पहले इनका था ना वीजा प्लेटिनम कार्ड, वो सब कार्ड जिन्होंने पहले ऑर्डर किया था उनको मिलेगा सिंपल पैकेजिंग, और जिन्होंने पहली बार कार्ड ऑर्डर किया लाइक उन्होंने जस्ट अभी कुछ दिन पहले अकाउंट क्रिएट किया है तो उनको मिलेगा ऐसा मतलब अच्छा पैकिंग मिलेगा। और आप लोग कंप्लीट करो इस वीडियो पे 50 लाइक्स और मैं इसका लाता हूँ एटीएम टेस्ट जो कि 100% ओरिजिनल एटीएम टेस्ट होगा। ट्राई करूँगा मैं इसे एटीएम पर। और सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत जल्द हम लोग को पहुँचना है 10K सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन वो कंप्लीट करना है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं फाइनली अपने अनबॉक्सिंग स्क्रीन पर, हम देखते हैं कि फेमस कार्ड कैसा दिखता है जो कि नया वाला कार्ड है। गाइज ये है मेरा न्यू फेमेक्स कार्ड और ये उसका है इनवेलप पैकिंग। इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ अभी, तो कुछ ऐसा दिखता है पैकेट। पीछे में लिखा भी हुआ है फैम और इश्यूड बाय ट्रियोटेक, मतलब ट्रियो वही सेम चीज़ हो गया। पीछे में ऐसा कुछ है काटने के लिए दिया हुआ है, तो इसे हम काटते हैं अपने छुरी के थ्रू। तो गाइस हमने फाइनली हमारा फेमेक्स कार्ड को खोल लिया है और मतलब पैकिंग खोल लिया है और इसके अंदर ऐसा कुछ रहता है लेटर, और यहाँ पे साइड में क्यूआर कोड है और एक इधर साइड दूसरे देख सकते हैं यहाँ पे ये कार्ड है और मेरा आगे में दिया हुआ एड्रेस, बाकी लिखा हुआ यहाँ पे कि एटीएम विड्रॉल चार्जेबल है। अगर आपको चाहिए फ्री में तो आपको फेमेक्स अल्ट्रा लेना पड़ेगा। बाकी और कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है और बार कोड है और यहाँ पे मेरा कार्ड चिपका हुआ है। बाकी गाइस साइड वाला क्यूआर कोड से अपना कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे इनका इंस्टा आईडी का क्यूआर कोड दिया हुआ है, इससे आप इनका इंस्टा आईडी खोल सकते हैं। और गाइस इनकी तरफ से एक पोएम टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि लेटर और पोएम दोनों मिक्स है, मतलब आप पढ़ सकते हो चाहे तो। एक टाइप पोएम टाइप का ही है यू। और बाकी गाइस ये है हमारा न्यू फेमेक्स कार्ड जिसमें अगर लिखा हुआ है फेमेक्स और नीचे पर लिखा हुआ है वीजा प्लेटिनम जो कि है वीजा प्लेटिनम कार्ड है। यहाँ पे मेरा दिया हुआ है नंबर, आशीष नंबर पता नहीं क्या नंबर है ये। और गाइस पीछे में इसका दिया हुआ है वाईफाई चिप जिससे आप एनएफसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यानी वही कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं टैप एन पे। और बाकी गाइस सही है लुक, पूरा ब्लैक कलर के थीम में है कार्ड, मतलब येलो के ऊपर ब्लैक कलर का फिनिशिंग किया हुआ है तो कार्ड सही लग रहा है। मेरा नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर आशीष कुमार और ऊपर में है ईवीएम चेक जिससे आप पेमेंट करेंगे। गाइस इस कार्ड को एक्टिवेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, मतलब लास्ट में दिखाऊंगा कैसे आपको एक्टिवेट करना है कार्ड। आ जाना फेमपे ऐप के अंदर, आपको यहाँ पे मिल जाएगा फेमेक्स कार्ड का ऑप्शन, वहाँ क्लिक करना है। आपको नीचे ऑप्शन दे देगा एक्टिवेट कार्ड का, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आपको यहाँ पे क्यूआर कोड को एक्टिवेट मतलब क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। मैंने यहाँ पे स्कैन कर लिया है और यहाँ पे आपको आपके पेरेंट के फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा, वो 4 डिजिट का ओटीपी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं देख के डालता हूँ ओटीपी। और गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कार्ड का 6 डिजिट्स आपको याद कर लेना है, लिख लेना कहीं पर आपको अपना फेमपे कार्ड का 6 डिजिट्स और उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे दोबारा से ओटीपी एंटर करना है जो कि थोड़ा सा एडवांस तरीका है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा ये सब डालना पड़ता है, उसके बाद ही आप पिन सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना न्यू पिन एंटर कर दिया ओटीपी डालने के बाद। आपको दो बार यहाँ पे पिन कंफर्म कर लेना, उसके बाद गाइस आपका पिन सेट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना और बहुत जल्द इसका आ रहा है एटीएम टेस्ट, तो आप लोग 50 लाइक्स कंप्लीट करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।